आई लव यू। आई लव यू सिर्फ शुरुआत होती है, फिर क्या होता है बनी? क्या होता है नैना? तो बाबू लोग, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फ्रेंड जोन हो गए। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी जरूर हुआ है, या तो हम कभी फटी में बोल नहीं पाए, या तो फिर टाइम निकल गया, या तो कभी कभी हमने ऐसा सोचा कि छोड़ो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बेचारे कुछ कुछ बोल गए पर कुछ कुछ बोल नहीं पाए बिल्कुल भी, अपने दिल का राज। तो अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और तो तुम्हें पता ही है, अनशन सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन पर है। मेरे पास है। दो मुझे, बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? होती है ये बंदी जो बहुत ही गजब होती है भाई। पार्डन मी के बच्चे, पहले कभी सेक्सी लेग्स नहीं देखे क्या? देखे, तेरे सेक्सी नहीं है। इमोशनल डैमेज। और एक उसका इमेजिनरी बेस्ट फ्रेंड। अरे ती छोड़, भी नहीं आ रहा, अभी बहुत टेंशन चल रहा है। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओके? चल अब ट्रेन लग गई है। बंदी हमेशा उसके लिए कंसर्न रहती है, उसके लिए उसकी पसंद का खाना वाना भी बना के लाती है भाई। ए, ये ले। नहीं चाहिए। सुबह 6 बजे उठ के बनाया तेरे लिए। पागल हो गए अदिति, खिला। बट अदिति वो सो स्पॉन्टेनियस ब्रो कि कहीं भी कभी भी बजा सकती है, मतलब खतरनाक फ्रेंड टू बी विद। तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे पीछे हटना, चल बहन। ओए सुनो, क्या? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और भाई बंदी शुरू से ही थोड़ा जेलस टाइप भी होती थी, जब उसका इमेजिनरी बेस्ट फ्रेंड किसी और पे लाइन मारता था। हाँ लंच करें? हाँ हमारे पास हैम एंड चीज सैंडविचेस भी है। Really, nigga? पार्टनर से प्यार बढ़ता है। तेरे बाप के सैंडविचेस है क्या? तेरे को खुश होना चाहिए अदिति, वो तीन हम तीन, एक बनी की, एक मेरी और एक तेरी। तुमने खराटे मारे तो? हाँ तो आज रात टेस्ट कर लो ना। पर बंदे के लिए तो वो हमेशा से एक लौंडा टाइप की थी, उसने उसको उस तरीके से देखा ही नहीं था। और उसकी छोटी छोटी बातें अदिति को ऐसे ही छोटा छोटा पिंच करती रहती थी। मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, रोज होता। And bro, this bandi was hell protective about her imaginary best friend. दारू पी के छेड़ता है? अपनी जंगल देखी है? तुझे अंडा भी ना छेड़े। क्या बढ़िया था वो? तेरी चीपो? ए, एक शब्द तूने मुंह से निकाला ना, मैं तेरे मुंह में दे दूंगी। अरे पीछे हटना, चल बहन। ओए क्या? ठीक है? फिर ऐसे ही छोटी छोटी बक और बंदे के द्वारा करी हर्टफुल चीजें पाइल अप हो जाती। अगर कैंप में कोई भूत आ गया तो? मैं हूँ ना, मुझे भूत लगाने के सारे मंत्र आते हैं, डोंट वरी। हाँ इसका बाप तांत्रिक है। क्योंकि आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से थोड़ी कोई छोड़ के जाता है, वो जब बहुत सारी चीजें बहुत सारी भड़के इकट्ठी हो जाती है तो इवेंचुअली इंसान खज्जल होकर निकल लेता है। और वही चीज अदिति ने भी की। मुझे ऑलमोस्ट लगा कि तू नहीं आएगा। मुझे भी, लेकिन तेरी शादी कैसे मिस करता। एंड व्हेन बनी आस्क्स अदिति जस्ट बिफोर हर मैरिज, तू अब अभी से प्यार नहीं करती? नहीं। तुझे पता था? सबको पता था सिवाय उस डफर रवि के। देन शी इज लाइक, हां यार करती थी, यू नो तरन के साथ। तरन के पहले मैं ठीक ही थी, लेकिन उससे मिलके रियलाइज हुआ कि मैं खुश भी हो सकती हूँ। ओह माय गॉड, टुरुला, मुझे कोई भी मिल सकती है? हाँ। तो फिर आप मेरे से शादी करेंगी? अब देखो इन तीनों की भसड़ के बारे में तो अपन सबको पता ही है भाई। अंजलि लव्स राहुल, राहुल लव्स टीना एंड टीना आल्सो लाइक्स राहुल। क्या चल गया रहा है ये? तो ये अंजलि बेचारी ऑड वन आउट हो जाती है और ट्रेन पकड़ के निकल लेती है वापस अपने घर। दैट टू सारे पेपर वेपर छोड़ के भाई, कॉलेज एकदम अबैंडन करके। पर क्यों? क्योंकि दिल टूट गया ना भाई। अब टीना को समझ आता था कि पर भाई फिर भी इतनी हराम जादी कि राहुल से शादी भी कर ली और एक छोटी ब्लॉगर भी पैदा कर दी। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो। जबकि इस बंदी ने शुरुआत में अंजलि से पूछा भी था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? Several days later, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अब इतना यापा कॉलेज लाइफ में मचाने के बाद अंजलि इज फाइनली मूविंग ऑन विद हर लाइफ एंड गेटिंग मैरिड टू समवन हु लव्स हर अ लॉट ब्रो। हेलो हेलो हेलो, आई लव यू। अब देखो अमन को ना ऐसी वाइब्स आती रहती थी कि मैं तो प्यार करता हूँ भाई, पर इसका मुझे कुछ योर टाइप्स नहीं है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। क्योंकि भाई देखो जो इंट्यूशन होती है ना वो हमेशा अपने को सच ही बताती है, पर हम ही गधे होते हैं भाई कभी कभी, ये सोचते हैं कि नहीं यार इंसान तो प्यार करता है, ऐसे छोटी छोटी चाह सकता मुझको। चूतिया बनाया तुमको।
फिर कुछ महीनों बाद वो बंदा एकदम से बोलता है, सॉरी जेनी, मैं हमेशा टाइम पे घर जाता हूँ, फैमिली को भी टाइम देना बहुत जरूरी है, ओके टाटा बाय। और ऐसा ही कुछ अपने भाई अमन के साथ भी हुआ है। यहाँ पे बंदे को शुरू से ही जो इंट्यूशन हुई थी वो एट लास्ट उसी की शादी में उसी के मंडप पे सच हो गई भाई, और वो मंडप जिसका खर्चा भी उसी ने दिया था ब्रो। पैसा बर्बाद बहन, और वो भी सारे रिश्तेदार जो उसी के थे। हाथ पकड़ के मंडप ले जाऊंगा, कहा था ना। चल अब देख तुम कैसे नहीं चलेगी तू। अरे अंजलि, मैं तो तुम्हें राहुल के पास ही छोड़ने के लिए ला रहा था। ब्रो वैसे देखा जाए अगर टीना नहीं मरती तो राहुल अंजलि के पास कभी आता ही नहीं भाई, क्योंकि अंजलि तो उसकी कभी पहली चॉइस ही नहीं थी। अंजलि और संजय वर बचपन के दोस्त, बंदा उससे अपनी अंट शंट दो नंबरी वाली काम सारे करवा लेता था भाई। जब संजय ने अपनी प्रिंसिपल के ऑफिस जाके पेपर बदला बदली करने का चक्कर बनाया, उसके बड़े भाई ने उसको धप्पा कर दिया, तो भाई संजू ने अंजलि को अपने घर भेजा पता करवाने के लिए कि कहीं बिग ब्रो ने चुगली तो नहीं लगा दी, कि कहीं मैं अंदर जाऊं और मेरा पिछवाड़ा तोड़ दिया जाए भाई पिताजी। अंजलि यार डालिंग, अब बंदी ना शुरू से ही उसको पसंद करती थी, इसलिए उसके लिए हर काम कर देती थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि मैं संजू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेचारी रातों में जग के इमेजिनेशंस भी करती थी भाई अपने क्रश के बारे में। खैर ये तो नॉर्मली बात है, कौन नहीं करता भाई, है ना। बंदा एक बार फेल हो गया, बाप ने ताना सुनाया, बंदा खाना छोड़ के चल दिया, तो बंदी ने खाना खिलाया। बंदे को पैसे चाहिए थे, घर पे किसी ने नहीं दिए तो बंदी ने दे दिए। अरे चंट, वो तुझे चाहती है और तू उसका फायदा उठा रहा है। वो मेरी अच्छी दोस्त है और उसे मेरे लिए फिकर है, तेरे जैसे नहीं, समझा। उसकी सारी चेपों वाली हरकतें भी देखकर बंदी को कभी घिन नहीं आई भाई उससे। एक दिन बंदा एक बहुत ही ज्यादा रिच शिट बंदी को पटाता है, खुद को भी रिच शिट बता के। तो भाई अब बंदी बंदी घुमाने के लिए गाड़ी की भी तो जरूरत है ना, और गाड़ियों का गैराज तो अंजलि के बाप का होता है, तो ये अपने मतलब के लिए उसको पटाता है। क्या देख रही है? ये बीच वाला हार 4,000 का है। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें दिला दूंगा। अब अगले दिन वो बंदी फिर जाती है दुकान पे, तो पता चलता है कि भाई वो तो संजू खरीद के ले गया ऑलरेडी। बेचारी को ये लगता है कि यहाँ पर एक हार था और मैंने उसे ऐसे कह दिया कि वो मुझे पसंद है और उसने मेरे लिए ले लिया, मैं अभी जाकर संजू को पकड़ती हूँ और हार वापस करवाती हूँ। अब बंदी जाके एक सीन देख लेती है कि भाई उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है भाई। पाकिस्तानी गर्ल ओनली मैरी फॉरनर। आई विश यू अ ब्यूटीफुल पाकिस्तानी सलमान। गर्ल सर, ओनली गर्ल। हाउ बोरिंग। देखो ये तो अपन लोगों को पता ही है कि भाई ये बंदी विदेश जाती है अपनी बहन की बेटी की शादी में। कौन माधर हमरा माल के फसा वाला तोरी बहनी का, और उसके बच्चों से बहुत ही ज्यादा वाला एम्बैरस होते भाई शुरुआत से, जस्ट बिकॉज उसको इंग्लिश नहीं आता। तो क्या तुम्हारा वो झांसता पीटी का मतलब भी जानती हो? मैंने भी नहीं पढ़ी, पढ़ना आता तो ना। विदेश जाके बंदी एक कैफे में जाती है ऑर्डर देने के लिए अपना, और वहाँ उसकी खिल्ली उड़ा दी जाती है बाय दिस हरामजादी काउंटर वाली औरत। आर यू किडिंग मी राइट नाउ? $10.20। सॉरी। अब ये बंदी बेचारी वहाँ पे होपलेस हो जाती है, उससे गलती से भसड़ भी मच जाती है, पूरा कैफे हिला देती है भाई। I am not cleaning that up. अब ऑर्डर लिए बिना बाहर जाके बेंच पे बैठ के रोने लग जाती है, तो पीछे से एक बंदा आता है उसका उसको ऑर्डर देने के लिए। ब्रो तू अपनी कॉफी तो लेके गई नहीं यार। अब वो अंग्रेज उसी की इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में भी टकरा जाता भाई उसको, और उसको इतने प्यारे और प्योर इंटेंशन से डिस्क्राइब करता है ये बंदा। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, हर आईज आर लाइक टू ड्रॉप्स ऑफ कॉफी। कम टू क्लास सो आई कैन सी हर। प्यारी, समझ गई। मतलब भाई उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि इस बंदी को इंग्लिश आती है नहीं आती, क्योंकि वो बंदा बस प्योरली पसंद करता है भाई उसको। उस बंदी के आसपास जितने भी लोग थे ना लाइफ में, सबको इस बात से तो बहुत ही ज्यादा वाला फर्क पड़ता था कि भाई इस बंदी को इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। बट दिस गाय वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, ही ओनली वॉन्टेड हर साथ एंड जस्ट टू लव हर। पर बंदी वॉज लाइक, पागल है क्या, शादी शुदा हूँ मैं। लेकिन तुम मेरे साथ ब्याह नहीं करेगी क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, बुद्धू हूँ। सही पकड़े हैं। वैसे तो ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और ऑब्वियसली यार बड़े होते होते प्यार हो ही जाता है, पर सिर्फ इसको, क्योंकि दिस बंदा वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में भी उसके साथ कोई बैठता नहीं था, उसके साथ कोई घूमना फिरना पसंद भी नहीं करता था, हर जगह से बस उसको रिजेक्शन मिलता था। तो इतनी बुरी दुनिया में उसको मिली ये बंदी। क्या कितनी। अब जैसे
जैसे जैसे ये लोग बड़े होते हैं द गाय फॉल्स फॉर हर, और जहाँ जहाँ पे इस बंदी की कोई बेइज्जती कर देता था तो भाई वो बंदा जाके सीधा उसका मुंह तोड़ देता था। तो भाई बचपन से लेके एंड तक जब जब इस बंदे ने इससे पूछा मेरे साथ प्यार करेगी तू, शक्ल देखी अपनी, बंदी ने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया ब्रो। और बंदे ने कम से कम नहीं तो पूरी पिक्चर में 3-4 बार तो पूछा ही है भाई, उससे बड़े होने के बाद उसको जवाब मिलता है मेरे साथ प्यार करेगी तू नहीं। लाल मुझे बंबई जाना है, मॉडल बनना है और फिर एक्ट्रेस मशहूर बनूंगी और बहुत अमीर बनूंगी। बंदी जब पूरी दुनिया घूम के मस्त अपना देख दाख के अपना हर जगह से कटवाने के बाद आती है, क्योंकि फाइनली अब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि भाई जिसको ढूंढा मैंने गली गली वो चीज तो मेरे बाजू में पड़ी मिली ब्रो। एंड ऑल अलोंग द फिल्म चटा वाज लाइक क्या करता है तेरी, बट एंड में फाइनली वो बंदी उससे खुद पूछ लेती है एक दिन मुझसे। सुनो आराम से आना, पूरी दुनिया से कटवा के वापस मेरे पास ही आना, मैं तुम्हें यही मिलूंगा। तो बाबा लोग ये थी कुछ फिल्में जहाँ पे अपन ने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स को फ्रेंड जोन कर दिया गया, अब कुछ कुछ बोल पाए कुछ कुछ नहीं बोल पाए। तो भाई हर बात अपने दिल में दबा के मत रखा करो भाई, कोई पसंद है जाके बोल दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देगी ना, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हाँ है या ना है। ऐसे ख्याली पुलाव अपने दिमाग में पकाते पकाते बहुत टाइम हो जाएगा यार वरना, और वैसे भी एक ही तो जिंदगी है भाई, कौन सा हम लोगों ने दोबारा टकराना है, तो कोई पसंद है तो जाके बोल दो, वरना फिर ऐसी रातों में इमेजिनेशन है करते रहो, और क्या नींद तो अच्छी आ ही रही है फिर भी। मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता।